हमारा एकत्र जो हो गया था उस संबंध में था। समाचार कुछ इस प्रकार से है। पुलिस विभाग की सूचना के अनुसार आज सुबह कलीताल के मकान नंबर 144 में एक कत्ल हो गया है। कत्ल से थोड़ी देर पहले उस मकान के करीब एक ऐसी बुल्ले के आदमी को देखा गया था जिसने गहरे रंग का भारी ओवरकोट, सिल्वर हैट और गले में मफलर लपेटा हुआ था। पुलिस इस बुल्ले के आदमी की तलाश सरगर्मी से कर रही है। मौसम अगले 24 घंटों में भारी बर्फ गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। तेज हवाओं के साथ बर्फानी तूफान आने की भी संभावना है। आने जाने वाले लोगों और मुसाफिरों को सूचित किया जाता है कि वो गाड़ियां तेज रफ्तार से न चलाएं और जहां तक हो अपने घरों में ही रहें। अब खेल समाचार।
नीना क्यों ना हम लोग एक पानी का ड्रम भरवाते रसोई में लगा देते। लकड़ियों का तो अपने वैसे भी खूब स्टॉक है, गर्म पानी हर वक्त मिलता रहेगा। लेकिन नीना देख लो, तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बढ़ जाएगी। मेरे लिए ही क्यों, इस गेस्ट हाउस के तुम भी तो बराबर के पार्टनर हो। अरे कादिन तो मैम साहब का जिंदगी भर के लिए गुलामी को कबूल कर चुका है। आप कहो उस तरह का ऊपर लखू, ऐसा करो तुम ये चाय। ओ नीना, मैंने ऐसा तो कहा। जरा इस कोठी की लोकेशन तो देखो, सारी आबादी से दूर पहाड़ की कोठी पे स्नो के जो यहाँ से दिखाई देते हैं ना, वो कहीं और देखने को नहीं मिलते। और फिर ना सोचो, अब हमारे पास 6 ऐसे कमरे हैं जहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को आराम से और फिर हर दिन कैसे हम 1500 रुपये रोजाना चार्ज लेंगे। बहुत बढ़िया लखू। जी मिलता है। ये बर्तन ले जाओ और इस मेज को भी साफ कर दो। जी नीना, तुम्हारे ख्याल में सब लोग आज ही आ जाएंगे ना? हाँ, फोन पर तो सबने आज के लिए ही कहा। लेकिन नीना भी ये सोच रहा था कि ना जाने ये लोग कैसे होंगे। मेरा मतलब है कि ये लोग अच्छे बुरे भले किसी भी किस्म के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इनसे किराया एडवांस में ही ले लेना चाहिए। अगर कोई किराया नहीं भी देता है तो हम उसका सामान जब्त कर लेंगे। हमारे गेस्ट और ये मिस्टर प्रेम मेरे हस्बैंड।
थोड़ी बहुत हुई भी हो तो यहाँ आकर दूर हो गए। अगर आते हैं तो मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। इसके लिए कौन सा नंबर कीजिए अभी ना? पेंटर रवि वर्मा के नाम पर ही मेरा नाम रखा था। रियली? लेकिन मैं आज तक उनकी तरह कोई मास्टरपीस तो ना बना सका। हाँ, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जरूर खींच लेता हूँ, मगर वो लोगों को समझ में कहाँ आती है मीना जी। दरअसल यहाँ भी मैं किसी पेंटिंग की इंस्पिरेशन के लिए आया हूँ। अरे मिस्टर प्रकाश, आप भी मेरी पेंटिंग देखिए। लेकिन भला आपको मेरी पेंटिंग्स क्यों पसंद आने लगी? अरे आपको तो ऊपर वाले ने पहले ये खूबसूरत शागार दे रखा है जी। तो मेरा मतलब है आपकी वाइफ। ओह नो मिस्टर, मिस्टर वर्मा आप ही बस। देखा मिस्टर प्रकाश, ये है हिंदुस्तानी औरत। अरे गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिर खो गई। और हिंदुस्तानी मर्द मारे जलन के जी। बुरा ना मानिएगा, दरअसल पकने की मेरी आदत है। लेकिन अगर कोई मुझसे नाराज होता है तो मैं फौरन माफी भी मांग लेता हूँ। क्या ख्याल है मिस्टर प्रकाश? पर सच, ये जगह तो बेहद खूबसूरत है भाई। मैं यहाँ आकर बेहद इंप्रेस हुआ हूँ। लेकिन आपने अभी तक अपना कमरा तो देखा ही नहीं। अरे नीना जी, आप दिखाइए तब ना। जी हाँ, लखू इनको इनके कमरे में ले जाओ। इस चीज का इंतजार पहले ही करना चाहिए था, तब तो वो आधा रास्ता चाट भी चुके होंगे।
मुझे रिसीव करने के लिए किसी आदमी को बस स्टैंड पर मौजूद होना चाहिए था। किसी और आदमी को क्यों मैसेज था, मैं खुद ही आ जाता। लेकिन हमें कोई इतना नहीं थी कि आप कौन सी बस से आ रहे हैं। कौन सी बस से? सभी बसों पे आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था। जी समझ गई। जी जी समझ गया। आई एम सॉरी मिसेस दास। नीना नीना नमस्कार मिसेस दास। नमस्ते। हिलाइए मुझे दे दीजिए, मैं टांग दे। मेजर विक्रम सिंह भी आ रहे हैं, मैं जरा उनको लेकर आता हूँ, उनकी मदद कर दूँ। आप लोगों ने कोई भी इंतजाम ढंग से नहीं किया, कम से कम रास्ते की बर्फ तो हटवा देनी चाहिए थी। हम लोगों को कितना पैदल चलना पड़ा। हुआ अचानक बर्फ पड़ने लगी मिसेस दास, और हम लोग क्या? आजकल के नौजवान अपने आप को बहुत काबिल समझने लगे। क्या उम्र होगी तुम्हारी जी? समझ नहीं आता क्या? ऐसा चलाने का कोई तजुर्बा है तुम्हें? जी हमने अभी इसी साल अपनी स्कूटी को गेस्ट हाउस बनाया है। वो तो दिखाई दे रहा है। दीमक दीमक तो नहीं है? जी नहीं मिसेस दास, आप बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए। अपने इस गेस्ट हाउस में हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ ख्याल ही रखा जाता है, सभी जगह जगह से रंग रोगन उखड़ा हुआ है। आइए मेजर साहब। मेजर साहब मेजर साहब मीट माय वाइफ नीना। नीना मेजर विक्रम सिंह। नमस्कार मेजर साहब। How did you, Mr. Prakash? बाहर तो बर्फीला तूफान चल रहा है। बस कुछ मत पूछिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही है। ऐसी बर्फबारी तो मैंने मिस्टर प्रकाश साल 1960 में देखी थी। मैं आज देखा मेरे तो हाथ बहुत सुन्न हो गए। थैंक यू। मेरी वजह से आपके हस्बैंड खमो खा ले। नो नो, आप तो हमारे मेहमान हैं। जो गिव यू बेस्ट सर्विस इज आप गिव इट। ये सामान किधर जाएगा? सामान उम्मीद कमी नजर आती है। कल के बच्चे गेस्ट हाउस खोलकर बैठे हैं,
नौकरों का पूरा इंतजाम नहीं तो मेहमानों को क्या खाकर नाम मिलेगा। मैं तो मात्र इनका विज्ञापन देकर धोखे में आ गई। मुझे मालूम होता है इन अलमारियों के पल्ले पड़ूंगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर आपका ये कहना है कि आपने यहाँ पे रूम बुक करा के गलती की तो अभी भी कुछ नहीं निकला है। आप बड़े शौक से कहीं भी शिफ्ट कर सकती हैं। What do you mean शिफ्ट कर सकती हूँ? जी हाँ, अभी रास्ता भी खुला है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए फोन करके टैक्सी मंगवाता हूँ। बहुत खूब, इस मौसम में आप मुझे यहाँ से बाहर कर देना चाहते हैं? आप खुद ही यहाँ से जाने की बात कह रही हैं। चली जाऊंगी लेकिन अभी नहीं, एक दो रोज देख लूं फिर डिसाइड करूंगी मुझे जाना है या रहना है। मिस्टर प्रकाश जी, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। जी, जी हाँ, आइए आइए आइए। ये बुढ़िया तो हम सबके नाक पर दम कर देगी। वैसे इस बुढ़िया को आप इस वक्त निकाल लेते तो शायद आधा रास्ता तय करने से पहले ही अकड़ कर मर जाती और मुझे किसी नई तस्वीर की इंस्पिरेशन भी मिल जाती। किसी को तकलीफ में देकर आपको खुशी होती है क्या? हाँ, जब किसी को अपने किए की सजा। शाब जी, अब मैं हफ्ता 10 दिन तक नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं ब्रेड अंदर रख के आता हूँ फिर पेमेंट करता हूँ। अच्छा शाब जी, अरे क्यों भाई, एक हफ्ता तक ये बासी ब्रेड खिलाकर हमको बीमार करना चाहते हो क्या? क्या करें शाब जी, बाहर चारों तरफ बर्फबारी और ऊपर से पुलिस की नाकेबंदी। क्या कहा, पुलिस की नाकेबंदी? हाँ शायद पुलिस की नाकेबंदी। लगता है आप बाहर से ना आए हो। हाँ। जानते हो कल एक बुढ़िया का कातिल हो गया। क्या? हाँ, और सारा बाजार इसीलिए बंद रहा और पुलिस हर आने जाने वाले लोगों से बड़ी सख्ती से पूछताछ कर रही है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने ओवरकोट, गले में मफलर और सिर में टोपी पहनी है। हाँ शाब जी, 220 रुपया। ठीक है, ये लो 500 रुपये। नहीं शाब जी, 500 का मेरे पास छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, जब मैं फोन करूंगा तो तुम बाकी का सामान लेके आ जाना। नहीं नहीं शाब जी, मैं वायदा नहीं करता, पता नहीं मैं आ पाऊं ना आ पाऊं। क्या मतलब? हाँ देखो शाब जी, आप तो जानते ही हो ना कितनी बर्फबारी हो रही है और सारी सड़कें बर्फ की चादर से अटी पटी हैं। कोई बात नहीं, मौसम सही हो तो तुम आ जाना, नहीं तो फिर मैं आने के लेने आ जाऊंगा। ठीक है शाब जी। ये तुम क्या हुआ मिस्टर रवि वर्मा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस जरा ऐसे ही। तो शाब जी, जी बहुत सावधान रहिएगा। क्यों? अरे कातिल कभी भी यहाँ आ सकता है। क्या? हाँ अच्छा, मैं अब चलता हूँ। सलाम शाब जी। ठीक है सलाम। जी हाँ, ये क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, शुक्रिया। आप तब तो न्यूज़ पढ़ी है, मैं जरा अंदर होकर आता हूँ। क्या हुआ वर्मा साहब, कोई खास खबर? अरे रुकिए जनाब, जरा पढ़ने तो दीजिए। जी। अरे हाँ, एक मजेदार खबर है। क्या?
तल्ली ताल में एक बुढ़िया का खून। खून? जरा पढ़िए। तल्ली ताल के मकान नंबर 144 में एक बुढ़िया का कत्ल कर दिया गया। मरने वाले का रावण रुक्मणी देवी बताया गया है। वहां पर एक आदमी को देखा गया था जिसने गहरे रंग का ओवर कोट पहन रखा था, गले में मफलर लिपटा हुआ था और सिर पर हल्के रंग की पैंट पहनी थी। पुलिस उस आदमी की तलाश में। क्यों मिस्टर प्रकाश, जब पुलिस पूछताछ करने के लिए किसी की तलाश करती है तो इसका मतलब यही होता है कि वो आदमी खूनी है? हो सकता है और नहीं भी। वैसे अगर पुलिस के पास उस आदमी का हुलिया है तो वो आदमी जरूर पकड़ा जाएगा। अजी हाथ पकड़ा जाएगा तो ये भी कोई हुलिया है? भारी ओवर कोट, मफलर और इस कड़कती सर्दी में तकरीबन सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और फिर हो सकता है कि कत्ल करने के बाद उसने उन कपड़ों को उतार दिया हो और कुछ और पहन लिया हो, तो कोट की बजाय कंबल और शर्ट की बजाय कोई धोती हो, तो जैसे आपके नौकर की धोती। लड्डू जी, तुम्हें लग गया शौकिया? अरे कोई शौकिया भी खून क्यों करने लगा मिस्टर प्रकाश? कहा भी ना। लेकिन डार्लिंग, हाँ क्या एक बार लक्कू आया? हाँ मैंने लग लिया, मैंने उसे गोदाम भेजा है। अच्छा जरा एक मिनट सुनना। मैं सोच रही थी कि बटरफ्लाई और पसंदा बादाम दोनों ही चीजें बड़ी खुशी से लगी, क्यों ना ग्रेवी बना ली जाए? मैं सलाह दूं, आपके पास अंडों का बहुत स्टॉक है ना, ऐसा कीजिए अंडों को उबाल बेसन के साथ ग्रेवी में डाल दीजिए, बस गिलास करी तैयार हो जाएगी। क्या ख्याल है? अरे वाह रवि साहब, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। अब अगर आप चाहें तो मैं खुद करी पकाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जी हाँ जरूर। अरे नहीं 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 नहीं, अरे आप तो हमारे मेहमान हैं भाई, आप तो तकलीफ करेंगे। तकलीफ कैसी, कुकिंग का मुझे बेहद शौक है। तो जैसी आपकी जी, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। मिसेस लीला दास का तो मुझे ये डर लगता है कि ना जाने अब खाने में क्या क्या नुस निकालेंगी। हाँ मेजर बेचारा तो भला आदमी लगता है। और ये रवि साहब? रवि वो तो कुछ सन की सा है, बट ही इज सो नाइस एंड हेल्पिंग। इसीलिए तुमने सबसे बढ़िया कमरा उसे दे दिया है। तो क्या हो गया, अरे किसी ना किसी को तो वो कमरा देना ही था, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन मुझे तो नजर आती है ना। क्या मतलब? अरे तुमने उसका सूटकेस उठाकर देखा कि नहीं? क्यों, ईंटें भरी हुई थी। इस कदर हल्का था जैसे उसके अंदर हवा भी ना भरी हो। मुझे तो ये उन फक्कर किस्म के कलाकारों में से लगता है जो होटलों से निकाल कर आए दिन बाहर फेंक दिए जाते हैं। ओ नो प्रेम, तुम्हें तो बेकार वहम हो गया है, बेचारा कितना शरीफ है। हाँ बस बोलता ज्यादा है। देख लेना, देख लेना नीना, जाते हुए तुम्हारे बिल की वजह करंट इकोनॉमिक क्राइसिस पर लेक्चर न देके चला जाए। ओह नो प्रेम, ना जाने तुम आजकल कितने शक्ति हो तुम। है मिस्टर कुमार हो? हो सकता है, और हो सकता है वो उन्हीं भी हो जिसने सुबह। हटो जाके दरवाजा खोलो। बदन तो बिल्कुल छुआरा बना जा रहा है। ओ, ओ।
इतना खूबसूरत। आप ही मेरी वाइफ मिसेस मीना प्रधान। सुभान अल्लाह जी। नमस्कार। आधा बजा लाता हूँ बेगम साहिबा। बेगम साहिबा यकीन मानिएगा इस वक्त तो मेरे लिए फरिश्ते रहमत बनकर वारिद हुई है। दरअसल एक हादसे में मेरी कार बर्फ से उलट गई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कार से बाहर निकाल पाया और उधर हादसे की दहशत उधर बर्फानी हवाओं की साए साए और मैं अकेला अजनबी बस जिधर मुंह उठाया चल पड़ा। फिर तो बेगम साहिबा कितनी बार गिरा कितनी बार उठा कितनी बार फिर गिरा और कितनी बार फिर उठा। और ये सर्दी कमबख्त जिस्म के रेशे रेशे को यक से यकत करती चली जा रही थी कि अचानक दम फूलने लगा सांस निकलने लगी और ये कमबख्त दिल धड़कने लगा कि बस अब जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया। लेकिन तभी अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसी किरण के सहारे बेगम साहिबा आपके दम पर हौले हौले अब अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आपसे गुजारिश कि अब आप यहाँ से निकाल क्या एक कमरा मिल सकता है सर की सामने के लिए? जी हाँ मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। जी शुक्रिया। लेकिन कमरा थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं, इतना खूबसूरत गेस्ट हाउस है तो मेहमान तो हो गए। मैं हूँ आसमान पे टपका हुआ बिन बुलाया मेहमान जिसके आने की आपको कोई खबर नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? देखिए ना, लगता नहीं बेगम साहिबा कि मैं किसी जासूसी कहानी का एक खौफनाक करैक्टर हूँ। कोई बात नहीं, लगता है आपको जासूसी कहानी पढ़ने का शौक नहीं है। खैर इस वक्त तो मुझे आप जो भी कमरा दे दें सर। वैसे हमारे पास एक और कमरा भी है, जिन साहब ने बुक करवाया था वो अभी तक आए नहीं। लेकिन वो क्या पता वो कब आ जाएंगे ना? आप चाहे तो बड़े शौक से वो कमरा मुझे दे सकते हैं। अब यहाँ कोई नहीं आने वाला, सारे रास्ते बंद हैं, चारों तरफ बर्फ। मेरे ख्याल से इस गेस्ट हाउस में आने का सबसे बेहतरीन मौका मुझे मिला। क्यों बेगम साहिबा? हाँ, तो ठीक है, आप वो कमरा ले लीजिए। क्यों प्रेम जी? शुक्रिया। हाँ आप उसी कमरे में आ जाइए। लेकिन आपका सामान? हाँ, मैंने आपसे अर्ज किया था कि सामान तो गाड़ी में दफन हो गया और मेरा सामान भी। मेरे ख्याल से सामान के बगैर भी मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, आप कमरे में आराम कीजिए और खाना बस तैयार ही है। नजराना आपकी मेहरबानियों का क्या दूं बेगम साहिबा, लेडी के एक दिल है वो भी टूटा हुआ घायल। मेरा मतलब है बेगम साहिबा इस नाचीज को लज्जा वाली बेग। अच्छा तो बेग साहब आप यहीं पे बैठना पसंद करेंगे या मैं आपको आपका रूम भी दिखा दूं? मैं कहीं भी मुझे तो लगता है कि जैसे मैं ठीक अपनी मंजिल से आ गया। अब देखिए ना क्या सिचुएशन है, इस नो न्यू गेस्ट हाउस मिस्टर प्रकाश मिसेस नीना प्रकाश।
धोखा? You mean cheating? मिसेस दास जवाब नहीं आता। अभी कोई भी काम क्यों ना हो, एक दिन उसका पहला दिन होता। मैं तो ये कहूँगा, इस गेस्ट हाउस का स्टार्ट दूसरे गेस्ट हाउस के स्टार्ट से बहुत बेहतर है। न जाने कैसी लकड़ियों का इंतजाम किया, जलकर राख हो गई, लेकिन गर्माहट बिल्कुल नाम को नहीं। अब किससे फरमाइश की जाए, नौकर के नाम पर एक जंगली बीज भर्ती कर रखा। भाई मेरा कमरा तो रात भर खूब गर्म रहा, और मैं समझता हूँ कि आपका भी कमरा गर्म रहा होगा। अजी बस गुजारा समझिए, मुझे समझ में नहीं आता इस पागल किस्म के छोकरे को सबसे बढ़िया कमरा क्यों दिया गया। भाई वो हम सबसे पहले पहुँचा है, फास्ट कम फास्ट सर। कुछ भी हो मेजर साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा दिन रुक पाऊंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिसेस दास, भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। आपने मेजर साहब, मुझे तो ये छोकरा बिल्कुल पागल लगता है। आपका ख्याल है कि ये पागल खाने से भाग कर आया है। प्रकाश जी, अरे भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं मिस्टर प्रकाश की बर्फ हटाने में मदद कर देता। ओके आई विल गो एंड हेल्प। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, वो कर लेंगे। अरे भाई इसमें तकलीफ की क्या बात है, इट इज अ गुड एक्सरसाइज, यू नो आई मस्ट गो एंड हेल्प। बेगम साहिबा को घर का काम कितना सारा करना, सुबह का नाश्ता, अब दोपहर का खाना वगैरह भी तो तैयार करना था। बस यही तो बात है, कोई भी काम सीधा नहीं। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम नौकरों का तो पूरा इंतजाम हो जाना चाहिए था। क्या फरमाया नौकर, अजी नौकर रखना तो दूर, आजकल तो देखने को नहीं मिलते हैं मोहतरमा। कहाँ से दिखाई देंगे, छोटे लोगों के पेट में पेट भर अनाज जो मिल जाता है, इनके दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं। लगता है इनकी रूखी सूखी रोटी भी आपकी आंखों में खटक रही है। जी समझ में नहीं आया क्या? आप कम्युनिस्ट हैं? जी नहीं, मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो खालिस हिंदुस्तानी हूँ। आप चाहें तो मुझे मानवतावादी भी कह सकती हूँ। विजय मुसलमान थोड़ा मनोरंजन।
जाने। अब देखिए ना, सबेरे से इस कमरे की सबसे बेहतरीन कुर्सी पर डटी हुई, अरे निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाई, इस चीज को आराम करने का हक नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं साहब, लेकिन जिस सफाई से आपने उस बुढ़िया को यहाँ से भगाया भाई, मजा आ गया। बल्कि मैं तो कहूंगा आइए मिलकर कोई ऐसा तरीका निकाले कि इस गेस्ट हाउस से ही निकल कर भाग खड़ी हो, क्या ख्याल है? तो ठीक है मिस्टर रवि वर्मा, लेकिन बर्फ हटने से पहले उसका यहाँ से टलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझिए। लेकिन बेग साहब, बर्फ पिघलने के बाद तो बढ़ाया जा सकता है। बर्फ पिघलने के बाद तब तक दोनों जाने यहाँ क्या से क्या हो चुका होगा मिस्टर रवि वर्मा। बहुत कुछ हो चुका होगा, कुदरत कई रंग बदल चुकी होगी। अरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कितनी शांत कितनी साफ दिखाई दे रही है। क्या आपको बर्फ से बेहद मोहब्बत है? जी, ये बर्फ मुझे इंस्पिरेशन देती है, मैं अपने आप को जैसे भूल सा जाता हूँ। तो क्या आपको बर्फ अच्छी नहीं लगती? जी नहीं, मुझे सख्त नफरत है बर्फ से, सख्त नफरत। गुजरे हुए जमाने के वो दर्दनाक वाकया आज भी मुझे छिंझोड़े डाल रहे। वो मंजर जब याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। एक बोसीदा से लिपटे हुए कढ़े हुए कंबल में तीन मासूम जाने भूखी प्यासी यतीम, और बाहर जमी थी बर्फ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। कितना दर्दनाक सीन पेंट किया है आपने साहब। साहब, क्या आप कोई पेंटर हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। जी नहीं, मैं कोई पेंटर नहीं हूं। तो आप क्या हैं बेग साहब? मैं जी, मैं शायद पागल हूं। आप मजाक कर रहे हैं बेग साहब, आप मजाक कर रहे हैं। आप नहीं समझेंगे मिस्टर रवि वर्मा, आप नहीं समझेंगे मेरा प्लान क्या है। नहीं समझूंगा बेग साहब। बेग साहब जरा सुनिए तो। स्टेशन से? हाँ, वो किसी इंस्पेक्टर को यहाँ भेज रहे हैं। इंस्पेक्टर? पर वो यहाँ पहुँच पाएगा? यही तो मैंने भी बताना चाहा, लेकिन ये पुलिस वाले किसी की सुनते ही कहाँ है, कहने लगे क्यों नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन वो इंस्पेक्टर यहाँ भी भेज रहा है ना? यही तो मैं भी जानना चाहती थी, लेकिन जनाब ने खराब किसी पर रखा। अब तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा भी क्या कर, कहीं हम लोगों ने गेस्ट कोड ऑफ ऑर्डर का उल्लंघन तो नहीं किया? नहीं नहीं मीना, पहले यहाँ पहुँच तो जाने दो, तुम अभी से क्यों इतना परेशान हो रही हो? अच्छा ये बताओ कि अपना वो दूसरा बेलचा कहाँ रखा हुआ है? हाँ वो जी हाँ, बताइए। क्या आपको पता है ऊपर कमरे का आखिर ध्यान बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, मैं जरा लकड़ियाँ डलवा दे रही हूँ, वो दरअसल बात है कि बात कुछ भी हो मिस्टर प्रकाश, मैं कम कमरे में बैठे निकलती ना। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर दास, मैं अभी गोदाम से लकड़ियाँ लेकर हाजिर होता हूँ। सर मेरा छोकरा है ना? कौन? रवि वर्मा? जी हाँ, मुझे दिमाग का ढीला लगता है, ना तो मुझे उसके रंग ढंग पसंद है और ना ही उठ पटांग हरकतें। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो पूरी छानबीन करती, इस गेस्ट हाउस में ठहराने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेती, कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, क्या जानती है आप उसके बारे में? जो मैं आपके बारे में जानती हूँ, और यही आप दोनों ही हमारे पेइंग गेस्ट है। तभी तो कहती हो कि तुम बिल्कुल ना समझ हो,
गेस्ट हाउस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। ओह, ये मिस्टर वेग क्या चीज है? है जो आप है? उनका कमरा पहले से तो बुक नहीं था यहाँ? जी नहीं। तो फिर आपने उनको यहाँ ठहराया क्यों? क्योंकि गेस्ट हाउस में कमरा होने के बाद भी अगर किसी मुसाफिर को कमरा देने से इनकार करना तो कानून के खिलाफ है, इतना तो आपको जरूर मालूम होगा। मैं कानून क्या कहता है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मगर इतना जरूर जानती हूँ मिस्टर रजब अली या राजा अली जो भी वेग है, ये कोई मुझे शक्ल सूरत से बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगते हैं। बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जिक्र मिला, जिक्र मिला मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में हो। थिंक ऑफ द डेविल, इन डेविल इज हियर। मोहतरमा, आपने शैतान को याद किया और शैतान हाजिर, इस नाचीज का जिक्र इस महफिल में कैसे आया? कहाँ से टपक पड़े? टपकना भी मेरा एक बहुत बड़ा कमाल है मोहतरमा। मैं ऐसे अचानक पहुंच जाता हूँ कि कभी किसी को पता ही नहीं लगता, और फिर इसके नजदीक पाकर कुछ लोग तो वो कहकर टाल देते हैं। देखा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। क्या मोहतरमा बोलिए? मुकदमा, मुझे इतना करीब पाकर कुछ लोग तो दहशत से उछल पड़ते हैं और कुछ लोग तो बस ओ कहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं ऐसी बेशुमार बातें सुन लेता हूँ जो मेरे सामने नहीं की जाती, मसलन मेरी बुराइयाँ। लेकिन ये एक बड़ी ही बेहुदा हरकत है जनाब। चंद एक खातून का भी यही ख्याल है कि ये बेग बड़ा आशिक मिजाज है। मुझे मेरे खत लिखने में मेरा पेन कहाँ है? आसान जरूर बनाई जा रही है, मेरा मतलब है। देखिए ना, आप यहाँ जितने भी लोग हैं उनके बारे में आपको और आपके शौहर को बगैर ठीक से जानकारी किए उन पर इतना एतवार नहीं कर लेना चाहिए। अरे मुझे तो अपने दिल की धड़कनों पर यकीन नहीं, और आप कैसे हैं जो पैरों पर एतवार करते? मैं कुछ समझी नहीं। अब देखिए, आप यहाँ गेस्ट हाउस में जितने भी लोग ठहरे हैं उनके बारे में सिवाय नाम के और आप क्या जानते हैं? और क्या पता कि वो नाम भी गलत हो? जी देखिए ना, अब मैंने आपसे मिसाल के तौर पर मुझको लीजिए, मैंने आपसे बयां किया कि मेरी गाड़ी बर्फ में फिसल कर उलट गई और आप यहाँ मैं ठहरना चाहता हूँ। ये कहानी हमारी गलत भी तो हो सकती है। और बेगम साहिबा, मैं एक कैद खाने से भागा हुआ मुजरम भी मत सकता हूँ, और आपको क्या पता बेगम साहिबा, मैं एक पागल भी तो हो सकता हूँ। देखा बेगम साहिबा, हो सकता है कि शायद मैं कातिल हूँ। मैं औरों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मिसेस दास को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको पहले भी कहीं देखा है। देखा, आपके यहाँ इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी लोग थे उनके मुताबिक आपको क्या पता कि दरअसल वो कौन लोग हैं। लेकिन बेग साहब, मैं औरों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। लेकिन यहाँ भी आग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, आप इजाजत दें तो मैं भड़का दूं।
प्रकाश जी, मिस्टर प्रकाश आपके हस्बैंड कहाँ? जी वो जरा गोदाम की तरफ गए हैं। कहिए क्या बात है? वो बस कुछ नहीं, ऐसा है कि मेरे बाथरूम का पाइप लाइन चल गया। ओह माय गॉड, ना जाने कैसा मनुष्य है, इधर बस और उधर पुलिस। पुलिस? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो किसी नीना, ये लो, मैं लकड़ियाँ तो ले आया हूँ, थोड़ी सी गीली हैं, तुम इनको थोड़ी देर बाद यूज करना। क्या बात है नीना, क्या हुआ? सुना है मिस्टर प्रकाश जी यहाँ कोई पुलिस इंस्पेक्टर आने वाला है, मैं आई नो व्हाट? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो इस मौसम में यहाँ कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन मिस्टर प्रकाश जी, मैं इंस्पेक्टर आदित्य जी, फरमाइए। अभी थोड़ी देर पहले आपकी सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई थी। जी हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आप उधर दरवाजे पर पहुँचिए, मैं खोलता हूँ। शुक्रिया। देखा आपने, सरकार को हम लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकारी नौकर इस मौसम में स्कीम के मजे लूटे। बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंस्पेक्टर आदित्य है। इंस्पेक्टर? इतनी छोटी सी उम्र में तुम इंस्पेक्टर कैसे हो गए? मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ मैडम, जितना दिखता हूँ। कुछ भी हो साहब, आप बेहद मंजिले नौजवान है, इतने खराब मौसम में भी इस बेटे से स्कीइंग करते फिर रहे हो। शुक्रिया जी। इंस्पेक्टर, मीट माय वाइफ नीना। हेलो मिसेस प्रकाश जी। नमस्कार। नमस्कार मिस्टर प्रकाश जी, ये मैं अपनी स्कीज कहाँ रख सकता हूँ? जी आप मेरे साथ इधर आइए, आ जाइए। मिस्टर प्रकाश जी, मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ मेजर साहब, जरूर। थैंक यू।